नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है एक और अनबॉक्सिंग के साथ होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ माओनो का AUMH501। सो इस हेडफोन को दोस्तों मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। बजट मैंने रखा है लगभग, मतलब इसका जो है 1500 से 2000 के बीच में हेडफोन्स आप मंगा सकते हैं। साउंड क्वालिटी कैसी है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, वो मैं आपको इसको खोल कर दिखाने वाला हूँ, अनबॉक्स करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और भी अनबॉक्सिंग देखने के लिए यार। तो चलिए इसे ओपन करते हैं। अनबॉक्स तो यार कर लिया, थोड़ी सी इसके बारे में स्पेसिफिकेशन भी जान लेते हैं। तो कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि भाई फोल्डेबल डिज़ाइन है, ठीक है समझ गए। स्मॉल एंड पोर्टेबल, पोर्टेबल है इसका मतलब हो सकता है फ्लैट फोल्ड हो। यहाँ पर देखने में तो लग रहा है कि फ्लैट फोल्डेबल होगी, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। सॉफ्ट ईयर मफ्स हैं, वो तो पहनने के बाद पता चलेगा कितने सॉफ्ट है, क्योंकि हमने बहुत सारे ट्राई करे और कानों पर थोड़ा सा जो वेट है वो अच्छा नहीं लगता है, वो जो दबाव पड़ता है। 50 mm के ड्राइवर्स हैं जो कि हाई क्वालिटी साउंड सुनाएंगे, तो ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है जिस वजह से मैंने मंगवाया है, क्योंकि लाउड साउंड सुनना है तो ड्राइवर बहुत मायने रखते हैं। और हाई रेजोल्यूशन रिस्टोर प्योर म्यूजिक का कहा जा रहा है, वो भी देखने पर पता चलेगा। इधर देखेंगे तो 20 Hz से लेकर के 20 kHz तक की फ्रिक्वेंसी है, मतलब कि अच्छे बेस, अच्छे ट्रेबल्स मिलने सुनने मिलेगा। 3 मीटर की लॉन्ग ऑडियो कार्ड भी आपको मिल जाता है और पावरफुल हाई रेजोल्यूशन भी मिल जाता है। इधर भी थोड़े बहुत स्पेसिफिकेशन लिखे हुए, जैसे कि 50 mm ड्राइवर विद हाई आइसोलेशन ईयर मफ्स। अब आइसोलेशन कितना अच्छा है वो पहनने के बाद पता चलेगा। फिर देखते हैं लॉन्ग ऑडियो केबल विद डबल साइज ऑडियो प्लग, तो ये भी पता चलेगा देखने के बाद ही। और एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल हेडबैंड। चलिए अब डब्बे को हम रखते हैं बाजू में और जो हेडफोन्स हैं उनको थोड़ा सा और बाहर निकालते हैं। उसके पहले ये जो चीज़ है नीड मोर हेल्प, ये शायद वारंटी कार्ड होगा, इसको बाजू में रखते हैं। और ये है इसके बारे में थोड़ी जानकारी, जिसमें यूज़र मैनुअल लिखा हुआ है कि भाई ऐसे ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, शायद ये चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है। फ्लैट फोल्डेबल शायद नहीं है, लेकिन इस तरीके से फोल्ड होंगे तो पता चलेगा आगे। इसे निकालते हैं। पैकिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई भाई, इस प्राइस बजट में जितने भी आज तक अनबॉक्स करें पैकिंग सबसे बेकार रही, सबकी बेकार रही है। इसकी थोड़ी अच्छी है कि भाई उल्टा निकाला मैंने, उसके बावजूद भी ये करा है अपने प्लेस पर। ये इसको साइड में रख देते हैं। ओ केबल आप देख ही रहे हो यार, कितने शानदार तरीके से रखी है, मतलब लंबी भी है और ज़्यादा आपको परेशानी भी नहीं होगी। ये इसमें वो भी नहीं होगा कि भाई टैंगल हो गया है, उसको सुलझाते बैठ रहे हैं। छोटा सा बिल्कुल वो बचपन में टेलीफोन यूज़ करते थे ना, उसके वायर की याद आ गई। तो इसको बाहर निकालते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है यार ये, जैसे बिल्ड क्वालिटी आप देखो, इतना मज़ेदार, इतना कड़क है। देखो ऊपर से यहाँ पर जो है एक लेदर की ना ये लगाई गई है, और अंदर जो है प्लास्टिक है। सिंपल हेड के लिए बहुत अच्छा ये सॉफ्ट कुशन दिया है यहाँ पर थोड़ा सा। अगर इसको फोल्ड करके देखेंगे तो इस तरीके से ओके फ्लैट फोल्ड भी हो जाता है, जैसा कि मैं अभी कह रहा था आपको कि फ्लैट फोल्ड पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है। हालाँकि ये ऐसा होने के बाद ना अपने आप सीधा हो जाता है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो बैग में अगर आप रखना चाहते हैं तो इसको ऐसा करके कुछ चीज़ से, मतलब यहाँ फेविक्विक डाल करके, फेविक्विक मत डालना यार बंदी हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मतलब ऐसा पकड़ के रख सकते हैं, बैग में डाल देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। बाकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर एल और आर लिख दिया है इन्होंने, ईयर कप्स के अंदर नहीं लिखा है, कोई ज़रूरत नहीं है। बोले बाहर से देखो, कान में लगा रहेगा तो कैसे पता रहेगा चलेगा। ये जो हिंज है मुझे काफ़ी पसंद आ रही है, हालाँकि काफ़ी ज़्यादा टाइट है, जो हिंज है बहुत ज़्यादा टाइट लग रही है, और इससे ज़्यादा ये नहीं खुलते हैं, ये इतने ही खुलते हैं, मतलब ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन ये जो है यहीं तक जाते हैं। अगर इसको अंदर में इस तरीके से करूँ तो ऐसे आप पैक करके इसे कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जहाँ तक ईयर कप्स की बात करें, ओ ये पूरे के पूरे जो है यूटर्न ले लेते हैं यार, मतलब 180 डिग्री टर्न है इनका। ये काफ़ी चीज़ अच्छी लगी मुझे। वो हम लोग देखते थे ना सारेगामापा और इंडियन आइडल, तो उसमें वो लोग ना ऐसे ऐसे लगा कर रखते थे, तो वो बड़ा अच्छा लगता था कि ऐसे कौन से हेडफोन्स हैं, ये उस टाइप के लग रहे हैं, तो अच्छा है, मतलब यूजेबल है। आपके बाजू में अगर कोई बैठकर पिक्चर देखना चाहता है तो आप उसे ऐसा एक शेयर कर सकते हैं कान, भाई इधर लगा करके तुम भी सुन लो, या फिर दोनों जन आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, तोड़ना बस मत इसको। तो मतलब बिल्ड के मामले में तो यार इन्होंने दिल जीत लिया है, साउंड क्वालिटी के मामले में पता नहीं फिलहाल, अभी इधर देखते हैं। यहाँ पर भी आर और एल लिख रखा है, मतलब गलती से आपने उल्टा उठा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माओनो की बैजिंग है, इस पर भी आर और एल लिख रखा है, मतलब जहाँ से भी देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट है राइट है। मेरा जो तरीका है मैं इससे पता करता हूँ लेफ्ट कौन सा है राइट कौन सा है, क्योंकि वायर ज़्यादातर एल में ही होता है। कनेक्शन की बात करो तो ओके ऐसे खुलता है ये,
थोड़ा सा, तो ये हमारे फ़ोन में लगाने के लिए, और अगर ये अडॉप्टर लगाते हैं तो फिर जो भी इसमें लगाना है आपको मशीन में वो आप लगा सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, गोल्ड प्लेटेड ये दिया गया है, तो साउंड क्वालिटी भी, मतलब साउंड क्वालिटी तो नहीं लेकिन हाँ लंबे समय तक चल जाएंगे। अडॉप्टर भी दिया हुआ है, अरे इसको क्यों लगा रहा हूँ मैं, फिर फ़ोन में लगाकर सुनते हैं एक बार साउंड इसका। वायर की क्वालिटी तो अच्छी है, मैं शुरुआत में इंप्रेस हो गया था, आपको बता ही दिया था, आप भी इंप्रेस हो जाओगे जब देखोगे इसके ऊपर जो फिनिश है वो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। मतलब ये ना शाइनी वगैरह नहीं है, मैट फिनिश सा लग रहा है, टच करने पर एक बार मखमल वाला फील आता है एकदम। और जहाँ तक इनकी बात करेंगे, कुशनिंग बहुत अच्छी है और सच में ये सॉफ्ट है, आप देखो यार ये बहुत बहुत सॉफ्ट है, ये देखो। तो हमारा जो मोबाइल है उसमें कनेक्ट करके फिर बताते हैं आपको कि कैसा क्या साउंड है इसका। तो ये हमने लगा दिया, चलो मैं लगाता हूँ कान में तो आपको पता चलेगा आइसोलेशन कितना है, बाहर आवाज आ रही है क्या, तो बताइए मुझे कमेंट में बताना बाहर आवाज आ रही है। बेस अच्छा है, बेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को गाने सुनना बेस में पसंद है, तो बेस अच्छा है, ट्रेबल बहुत शानदार है। साउंड क्वालिटी की बात करूँगा, वो HD वाला फीलिंग नहीं आएगा आपको, एकदम क्लैरिटी वाली बात नहीं आएगी, लेकिन हाँ साउंड में थोड़ा सा आपको ज़रूर चीज़ें मिलेगी जो कि आपको अच्छी लगेंगी। अगर आप म्यूज़िक के लिए इसे यूज़ करते हैं तो आप मोस्टली सेटिस्फाइड ज़रूर रहेंगे इससे। यहाँ पर ये एडजस्ट करने का भी सिस्टम है जो मैं आपको बताना भूल गया, तो ये आप देख लो, इस पे नंबर्स लिखा हुआ है तो अपने हेड के हिसाब से आप नंबर चूज कर लो, ऐसे क्या ही फर्क पड़ता है, लगाने के बाद वो अपने आप एडजस्ट इस तरीके से हो जाता है। हाँ थोड़ा सा जो है ये कान को कवर करता है लेकिन उतना इशू नहीं है, आप लगा सकते हो और कान में दर्द होगा ऐसा मुझे कुछ फील नहीं होता क्योंकि वो हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे तो कान में कोई प्रॉब्लम नहीं, कान ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। आइसोलेशन अच्छा खासा है, जैसे मैं ये लगाता हूँ तो अपनी आवाज़ सुनने में भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो अच्छा खासा आइसोलेशन है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कि जब मैं गाना सुन रहा था और जब मैंने आपको डायरेक्ट इससे सुनाया तो किस तरीके का साउंड था। एक आध 2 हफ्ते यूज़ करते हैं, उसके बाद रिव्यू लाएंगे आपके लिए, तब बताएंगे आपको कि भाई किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल करके और क्या हमारे रिव्यू रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।